पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बड़ा गड़बड़ छाला सामने आ रहा है। बीते दिन ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर डीपीएस में शुरू हुआ हंगामा अब थाने तक जा पहुंचा है। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने फर्जीवाड़ा करके उनसे डीपीएस के नाम पर फीस वसूल की है, जबकि स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी से ऑनलाइन संबद्ध नहीं है। मामला बढ़ने के बाद स्कूल पहुंची पुलिस प्रिंसिपल सुदर्शन सोनार को थाने ले आई। मझोला थाने में परिजन हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। परिजनों का कहना है कि वो डीपीएस के नाम पर फीस देते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस बीच थाने में बैठे प्रिंसिपल सुदर्शन सोनार ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि स्कूल का स्टेटस क्या है, इस बारे में मैनेजमेंट ही बता सकता है। मझोला थाने के सामने स्थित डीपीएस स्कूल में गुरुवार को अभिभावकों ने ये कहकर प्रदर्शन किया था कि पूरी फीस जमा करने के बाद स्कूल उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दे रहा है। पेरेंट्स के हंगामे के बाद प्रिंसिपल ने गुरुवार को कहा था कि वो भी मैनेजमेंट को रोजाना ट्रांसपोर्ट के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शुक्रवार सुबह फिर से पेरेंट्स इकट्ठा होकर स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। अभिभावक दीपक गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि स्कूल डीपीएस सोसाइटी से संबद्ध नहीं है। पेरेंट्स सुमित रहेजा, सचिन यादव आदि ने कहा कि जब उन्होंने प्रिंसिपल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो वो कुछ भी बोलने से कतराने लगे। पेरेंट्स को शक हुआ तो उन्होंने प्रिंसिपल पर दबाव बनाया कि वो स्कूल का स्टेटस लिखित में क्लियर करें कि स्कूल डीपीएस है या नहीं। एक्चुअली स्कूल वालों ने हमारे बच्चों के एडमिशन ले रखे हैं डीपीएस में, ये मझोला में, लेकिन इनकी मान्यता है नहीं। प्रिंसिपल साहब से हम कह रहे हैं कि बच्चों की अगर आपके स्कूल की मान्यता है तो हमें रिटर्न में दीजिए कि आपके स्कूल की मान्यता है, जबकि इन्होंने हमने बुक खरीदी डीपीएस के नाम पर, यूनिफॉर्म खरीदे डीपीएस के नाम पर। अभी एक लेटर भी मिला है अंदर जो कंप्लेंट दी है कि मैनेजमेंट से संबंधित किसी व्यक्ति ने कि स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है 31 मार्च और ये डीपीएस का नाम यूज़ नहीं कर सकते, पर हमसे फीस की बात जो कर रहे हैं वो डीपीएस के नाम पर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो डीपीएस की, बुक्स जो दिलाई हैं वो डीपीएस की, जबकि स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब की 420 में रिपोर्ट होनी चाहिए और मैनेजमेंट की, क्योंकि इन लोगों हमारे धोखाधड़ी कर रहे हैं अगर इनके और हमारे बच्चों के साथ। अब हम बीच में अधर में अटके हुए हैं, बच्चे को एडमिशन कहाँ कराएं? इन्हें शुरू में हमें क्लियर करना चाहिए कि डीपीएस की मान्यता खत्म हो चुकी है। हम मूव कर सकते थे, अपना मूव कर सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे से। कल को ही अपने स्कूल का नाम बदल दें, हम बच्चे पढ़ा रहे हैं डीपीएस में, कल को नाम बदलें दूसरा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनके खिलाफ 420 में केस होना चाहिए। इसी संबंधित हम थाने मझोले में आए थे कंप्लेंट के लिए, हालांकि एसओ साहब से बात नहीं हो पाई है, शाम के लिए उन्होंने टाइम दिया, देखते हैं क्या होता है। आपने सारी फीस सब जमा कर दी है? सारी अभी पिछले साल तक की हमारी सारी फीस जमा है, कोरोना काल तक की हमारी सारी फीस पेड है। अभी ये फीस लिए कोर्स वगैरह सब ले चुके हैं, बच्चों के कोर्स, यूनिफॉर्म वगैरह सब, और सब इन्होंने डीवी डीपीएस की है हमें जो लेने के लिए कहा है। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? अभी मैनेजमेंट से दोबारा यहाँ आए हुए लोग बातचीत करेंगे, जो मसला आएगा मैनेजमेंट से फिर उसका आंसर बताया जाएगा। आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि आप एक विद्यार्थी? मेरा तो हमेशा सकारात्मक प्रयास रहता है कि स्कूल के बच्चे हैं हमारे अपने बच्चे हैं, टीचर्स हैं हमारे अपने टीचर हैं, इनके लिए करना जो है मेरे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो सकारात्मक प्रयास रहता है, कुछ देरी हुई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में, ये मसला हो सकता है कि नियर फ्यूचर में सॉल्व हो जाए, पर इसके साथ ही दो चार और मुद्दे जुड़ गए हैं जिनको सॉल्व करना जो है वो मैनेजमेंट के पार्ट में, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को स्कूल ऑफिस में नहीं है। तो मैनेजमेंट से हम प्रयास करते हैं कि इन चीज़ों की जानकारी स्कूल को दे, ताकि फिर पेरेंट को अकॉर्डिंगली बताया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।